मैं उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारी दोस्ती को शायद 7-8 महीने हुए हैं जब मैंने BCL की टीम खरीदी थी और वो मेरे प्रैक्टिस में आए थे। काफ़ी अच्छे इंसान हैं, काफ़ी सपोर्टिव इंसान है, अच्छे एक्टर है वो, सुलझे हुए इंसान है। और बड़ा अच्छा लगा जब मुझे उन्होंने बुलाया। मैं तो लखनऊ जा रहा था, एयरपोर्ट पे था, वो तो किस्मत है, और मेरा भी दिल था यहाँ आने का, लेकिन वो किस्मत है कि फ्लाइट कैंसिल हुई और मैं अमरीश भाई के बर्थडे पे आ गया उन्हें विश करने के लिए। मेरी तरफ से तो उनको बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। वो तो सबको ये कहते फिरते हैं अनारा जी ही हैं जो मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में घसीट के लाए हैं। हमारी एक फिल्म थी जो हमने साथ में की थी, उसमें से वो आए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने इतना ग्रोथ किया है इतने सालों में और आज वो उस मुकाम पे पहुँचे जहाँ उन्होंने मेहनत की थी। और मेरी शुभकामनाएं कि आने वाले साल उनके लिए और अच्छा हो, और मेहनत करें और तरक्की करें और यूँ ही हमेशा खुश रहें, स्टार से सुपर स्टार बनते रहें। और क्या बात करें आपकी फिल्मों की, दिल तो क्या कहना चाहिए? अब मैं तो वही कहना चाहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, प्लीज़ आप सबका बहुत सारा प्यार चाहिए, आप सबका मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जो भी मैं करने जा रहा हूँ मेरे लिए पहली बार है। आप लोग बहुत बार सिनेमा देखते हैं, काफ़ी सारे एक्टर्स को देखते हैं, आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे, क्योंकि मैं नया हूँ और मैं चाहता हूँ आपके दिल में आना। और ऑफकोर्स अनारा ने काफ़ी मोटिवेट किया है मुझे इस इंडस्ट्री में लाने के लिए। सो मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके सारी जनता से, सारे लोगों से कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी दिल में जगह दीजिए और एक बॉडी बिल्डर एक्टर को एक्सेप्ट करिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं और करण पहली बार ऑन स्क्रीन दिखेंगे। हम ऑफ स्क्रीन तो हमारी मस्ती के बारे में, हमारे प्यार के बारे में आई थी पूरी इंडस्ट्री जानती है, मोरो पूरी दुनिया भी जानती है, फेसबुक पे इतना ज़्यादा सोशल रहता है। और मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं और करण जब ऑन स्क्रीन वो प्यार करेंगे और लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जोड़ियाँ खासकर ज़्यादा हिट होती हैं, लोग उन्हें ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हमें प्यार मिल रहा है अभी बिगनिंग में ही, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है फ्यूचर में। और मैं बस उनका आशीर्वाद चाहती हूँ कि अपना प्यार आशीर्वाद यूँ ही सब बनाए रखें। हम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन गृह मंत्रालय ने मुझे आदेश दिया हुआ है। CM को जब गृह मंत्रालय का आदेश आता तो करना होता, तो अनारा ने मुझे कहा करण इंडस्ट्री में 3 फिल्में करना बहुत ज़रूरी है आपको, सो एक फिल्म बड़ी अच्छी जो हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं उस फिल्म से शुरुआत करो। राजनीति पारिवारिक, मेरा पूरा परिवार राजनीति में है, मेरी मम्मी जो है, हमारी माता जी वो राष्ट्रीय महासचिव है और मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे घर में, हमारी मम्मा मिनिस्टर रह चुकी है, तो राजनीति का काफ़ी प्रेशर बना हुआ होता है, क्योंकि जनता को वहाँ भी मुझसे बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है कि एज अ यूथ लीडर कोई आएगा, एज अ यूथ लीडर कोई हमारा अच्छा करेगा। और उसी तरह अब राजनीति के अलावा मैं यहाँ आ गया हूँ, तो मेरे लिए दो जनता है जिन्हें मुझे संभालना है, एक एंटरटेनमेंट की और एक पॉलिटिक्स की। बट अनारा साथ में है, आप लोग का प्यार साथ में है, आप लोग का सपोर्ट है, तो डेफिनेटली अब कुछ ना कुछ तो अच्छा करूँगा। थैंक यू। क्या बोलूँ, बस यही है कि आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए करण को बहुत सारा। मैं पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ, जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है मुझे इतना अच्छा फील होता है हमेशा से। मैं बस चाहती हूँ कि वही जो हमारी जोड़ी को हो, करण को बहुत सारा प्यार मिले, जिसे मेरी पूरी इंडस्ट्री इतना मोटिवेट कर रही है, करण को इतना प्यार दे रही है, बस मेरी जो जनता है वो भी इतना प्यार और मोटिवेशन दे। और हम लोगों की प्लानिंग है एक्चुअली कि हम साल में 3 फिल्में दें मेरी और करण की जोड़ी, बस उनका आशीर्वाद बना रहेगा तो हर साल 3 फिल्में हम लोग देते रहेंगे। थैंक यू।